हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं अविनाश। आज की इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के ऑनलाइन टेस्ट और किताबों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों ही एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार ऑनलाइन टेस्ट देंगे। इंग्लिश और जीके के सेक्शन सॉल्व करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर रीजनिंग और एप्टीट्यूड में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना है और फिर पेपर पे उसे सॉल्व करना है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर लें और वीक में कम से कम 3 प्रैक्टिस टेस्ट दें और उसके सॉल्यूशन को रिवाइज करें, किस सेक्शन में ज़्यादा समय लग रहा है, क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, ये सब। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि किस सेक्शन को कितना समय देना है, जिससे आपको टाइम मैनेज करने में सहायता मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं महिंद्रा की, कैरियर सट्टा या पैरामाउंट की। तो पैरामाउंट के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर महिंद्रा और कैरियर सट्टा के जो टेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो अब तो क्या है कि आपने टेस्ट सबमिट किया और सॉल्यूशन वो तुरंत दे देते हैं, तो इससे आपको देखने में आसानी होगी कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। मैं मानता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है उनके बेसिक्स ठीक ठाक होगी, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन दो सेक्शन में आप जितने क्वेश्चन लगा लें उतना ही बेहतर है। एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होता है, तो आप जितनी क्वेश्चन बनाएंगे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी उससे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कभी कभी सेम ही आ जाते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होते हैं, तो बहुत ही आपको आसानी होगी। सो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप किरण प्रकाशन की एसएससी सीपीओ टीयर वन के प्रैक्टिस सेट ले लें, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी मिल जाएगा, जिससे आपको पैटर्न समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो आप लोगों को पता ही, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट और अरिहंत से बेहतर कोई बुक है ही नहीं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अरिहंत की जनरल नॉलेज की बुक ले लें, वो पतली सी आती है, 20 या 25 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें समराइज फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बुक है वो। तो आप लेटेस्ट एडिशन जो भी है वो बुक ले सकते हैं। अब एक बात और दोस्तों की, जनरल नॉलेज तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसे आप 2-3 दिन बाद अगर सोचेंगे याद करने, आप दिमाग में लाने, तो वो आप भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, आप डेली कम से कम 40-50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के बनाएं, अलग अलग सेक्शन से, या जैसे कि साइंस हो गया, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जो भी हैं। तो इसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लें, एड्डा 24x7 करके एक ऐप आता है प्ले स्टोर से जाकर, उसमें आपको मिल जाएगा सब सेक्शन वाइज। तो उस आप डेली अगर क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में लगभग 8-10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, वो भी एग्ज़ाम के डेट से 5-6 महीने पहले के आते हैं। तो इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक ले लें, जो कि 6 महीने वाली एक आती है, या मंथली वाइज भी आती है, या फिर ऑनलाइन बैंकर्स अड्डा की साइट से जाकर आप मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ें, वो दोनों ही आपको फायदा करेंगे। अब इंग्लिश की बुक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले लें, जो एसएससी सीजीएल इंग्लिश पीटी एंड मेंस के नाम से आती है, द प्लेटफॉर्म। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये बुक 3 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में आती है। आप तीनों वॉल्यूम ले सकते हैं, हालांकि वॉल्यूम 2 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आप चाहें। और ये एक प्रैक्टिस बुक है, जिसमें आपको सॉल्यूशन हिंदी में भी दिया हुआ है, तो कुछ लोगों को अगर दिक्कत होती है तो उन्हें आसानी होगी। इंग्लिश की बात करें तो अगर हम ईरर्स और भोकेब
के पार्ट को हटा दें तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें हम प्रैक्टिस करके नंबर नहीं ला सकते हैं। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाएं, आपको पता लग जाएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिव एंड पैसिव की बात करें तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उसमें कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है, टुडे डेट डे में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अंत में दोस्तों, आपके पास कोई भी बुक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं रेगुलरली, तो आपको फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दें जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।